रविवार दोपहर इंदौर से खंडवा जा रही एक बस बाई गांव के पास भैरव घाट में बेकाबू होकर खाई में गिर गई। बताया जाता है कि चालक बस को ढलान से उतार रहा था, उसी दौरान बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस हादसे में दो यात्रियों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। इंदौर खंडवा रोड पर एक और बस हादसा, भैरव घाट पर बेकाबू होकर गिरी यात्री बस, दो यात्रियों की मौत, 30 से अधिक घायल, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां रविवार की दोपहर को एक यात्री बस पलट गई, जिसमें एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। हादसा इतना भयंकर था कि बस अनियंत्रित होकर पलट गई। ऐसा बताया जा रहा है कि बस की गति काफी तीव्र थी, जिस वजह से बस अनियंत्रित हो गई और पलट गई। हादसे में लगभग 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, वहीं दो लोगों की मौत होने की भी जानकारी मिली है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस स्टाफ समेत स्वास्थ्य अमला मौके पर पहुंचा और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां एमवाई अस्पताल पर प्रशासनिक अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया और बेहतर इलाज का वादा किया। अभी तो निश्चित तौर पर नहीं कह सकते, देयर माइट बी ए मैकेनिकल फेलियर, तो उसकी वजह से बस पुलिया के पास से टॉपल हुई है। लगभग 35 लोग अभी हॉस्पिटल में आए हैं, दो लोगों की मृत्यु हुई है और कुछ डेंजर जोन में भी है और इलाज उनका जारी है। होपफुली कि हम अच्छी से अच्छी सुविधा देकर अधिक से अधिक लोगों को बचा पाएंगे। हमारे जो हॉस्पिटल एमवाई के सुपरिटेंडेंट और सारा स्टाफ पूरे इमरजेंसी केयर में यहां पर हैं और हम उनको बेहतर से बेहतर इलाज दे पाएंगे। देखिए, जो सीरियसली घायल लोग थे वो तो लगभग सभी यहाँ आ चुके हैं और सीरियस घायल में हम चार बच्चों को और चार अन्य लोगों को, इस तरह से 8 लोग हो सकते हैं जो सीरियसली घायल हों। इसके अलावा 2 लोग ब्रॉड डेड हैं और बाकी स्पॉट से तो सभी लोगों को रवाना कर दिया गया है। घायलों का इलाज अभी यहाँ एमवाई पे जारी है। सर, दुर्घटना का कारण क्या रहा था? देखिए, ये जो दुर्घटना हुई है वो घाट सेक्शन तो नहीं था, ये प्लेन रोड ही है। रोड के पास पुलिया के पास ये एक्सीडेंट होना पता चला है, टॉपल हुई है बस। प्राथमिक तौर पर जो वहाँ भी घटनास्थल पे लोग हैं उनका कहना कि कुछ एक्सल टूटने के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन ये प्राथमिक तौर पर ही है। अभी इसकी पूरी जांच हम लोग करेंगे तो इसके बाद हम बता पाएंगे कि इसका रियल रीज़न क्या है, पर ये घाट सेक्शन के अंदर का नहीं है, घाट सेक्शन के बाद की घटना। 35 आ चुके हैं और 2-3 और ऐसा लग रहा है कि आ रहे हैं, तो करीब 38 हो जाएंगे मुझे ऐसी संभावना लग रही है। इनमें से 2 ब्रॉड डेड हैं, 2 महिलाएँ हैं। उसके अभी जो हमारे पास 35 आए उनमें से 7 की हालत गंभीर है। इलाज तत्काल प्रारंभ हो ही गया है सभी का और इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है। हमारे सारे डॉक्टर, सारे नर्सिंग स्टाफ, सारा क्लास फोर, सभी लोग इलाज में लगे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि हम अधिक से अधिकतम की जान बचा सकें। अभी सबका जांचें वाचे होंगी और इसके बाद पता चलेगा कि एक दो लोग और कोई अगर गंभीर होंगे तो उनकी जानकारी मिलेगी। बता दें कि इंदौर खंडवा रोड को 4-लेन किया जा रहा है, यहां निर्माण कार्य चल रहा है। इसके बीच यात्री बसों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मचने से हादसे बढ़ गए हैं, जिस पर अब प्रशासन को ध्यान देने की मांग उठने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।